तुम्हें और कौन सा सोल्यूशन नजर आता है मेरा? रक्षणदार जिस रिश्ते के तहत एक सर फिरे आदमी के जो जुल्म बर्दाश्त कर रही है या करने पड़ रहे हैं, वो इस रिश्ते को तोड़ के नहीं देती। रक्षणदा इस रिश्ते को तोड़कर ही यहाँ आई थी। वो इस रिश्ते को तोड़कर नहीं, छोड़कर यहाँ भाग आई थी। और मैं कानूनन रिश्ता तोड़ने की बात कर रही हूँ, मैं ऋषभ तलाक की बात कर रही हूँ। कानून बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है मेधा जी। और मेधा, शायद वो इस टूटे हुए रिश्ते की नुमाइश नहीं करना चाहती, हम तो उसके दोस्त हैं ना। फिर भी ये हकीकत उसने हमसे आखिर तक छुपा कर रखी, क्यों? मुझे नहीं लगता कि वो लीगल प्रोसीडिंग्स के पछड़े में पड़ना चाहेगी। मेधा, उन दोनों का रिश्ता इस कदर बदशकल हो गया था कि जाने एक बात में से और कितनी बातें निकलेंगी, कितना कीचड़ उछलेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम डाइवोर्स की बात को रहने देते हैं, लेकिन कम से कम हम रक्षिंदा को पुलिस प्रोटेक्शन तो दिलवा ही सकते हैं। हम लोगन के होते हुए काहे को पुलिस का एहसान लेते हैं? भैया, हमका सिर्फ एक मुलाकात का जरूरत है, हम उस ससुरे का वापसी का ऐसा टिकट कटवाऊंगा कि अमेरिका वो के बाद हर हिंदुस्तानी चीज को देखकर घबराने लगेगा। यार त्यागी, जो कुछ भी करना है जल्दी करना है, क्योंकि बेचारी बहुत घबराई हुई है यार। अब वो के पति के घबराने का टाइम आ गया भैया, हमका सिर्फ एक दफा का नंबर नोट कर लेने दीजिए, हमारा आदमी बहुत दिल लगाकर उनका चालान काटेंगे। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती ऋषभ, रक्षण इज अ स्ट्रांग वुमन, वो ऐसी बातों से हड़बड़ा कैसे गई? उसका पति तो माना कि पागल आदमी है, पागलपन में ऐसी हरकतें करता है, लेकिन रक्षणदा तो समझदार औरत है ऋषभ, और वो ये बात बेशक जानती होगी कि आज के दौर में इस तरह का खौफ बेमाने है। वो कितनी हिफाजत से है, कानून उसका साथ देगा, पुलिस उसका साथ दे सकती है, और हम तो उसके साथ हैं ही। मेधा, ये बात सुनकर मुझे भी हैरानी हुई थी पहले, लेकिन फिर धीरे धीरे ये बात मेरी समझ में आई। जिस रक्षणदा को हम जानते हैं, वो दरअसल जुल्म का एक दौर सहने के बाद जन्मी थी, और रक्षणदा अपनी पिछली जिंदगी में जब उसने ये सारे जुल्म सहे थे, एक बहुत ही नाजुक, बेसहारा और निहायत ही जज्बाती लड़की थी। इसका मतलब वो अपने पति के इस शहर में आने की वजह से नहीं, अपने पिछले जुल्म और खौफ की वजह से घबराई हुई है। हाँ मेधा, और इस वक्त उसे एक ऐसा साथी चाहिए जो उन पुरानी यादों को बिल्कुल मिटा दे, और ये काम सिर्फ करण कर सकता है। रक्षणदा के पिछली मोहब्बत के घिनौनी शक्ल पर अपने प्यार का हुस्न चढ़ाकर। तो फिर कम से कम करण को तो इस वक्त उसके साथ होना चाहिए था। मेरा बात यह है कि एक गलतफहमी की वजह से करण ने रक्षणदा से फासला बना रखा है। रक्षणदा की जिंदगी में क्या हो रहा है और क्या नहीं, इस बात का उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं। आप पढ़े लिखे लोगों के साथ जाइए, एक दिक्कत है, अगर कोई उंगली उठाकर चांद दिखाता है तो आप उनका उंगलियां देखने लगते हो, अंगूठियां देखने लगते हो, चांद को भूल जाते हो। अरे जब दुश्मन सामने हो तो उनके ऊपर बहस नहीं किया जाता है भैया, सीधा उठकर हल्ला बोल दिया जाता है।